तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब हमें यहाँ दो नंबर्स दिए गए हैं, एक 196 और दूसरा नंबर हमारे पास है 38220, यानी कि 38220। तो हमें यहाँ से पता है कि 38220 जो है वो 196 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, 38000 वाला नंबर हमारे पास डिविडेंड होगा और 196 हमारे पास क्या होगा, डिवाइजर। तो इसको हम इस तरह से करके दिखा सकते हैं, ये हमारे पास 196 को हम डिवाइड करेंगे 38220। तो हम देखते हैं कि 196 टू जा हमारे पास कितना होता है, यहाँ पर 196 टू जा 26 जा 12, 1 कैरी, 29 जा 18 प्लस 1 19, 1 कैरी, 21 जा 1 प्लस 1 3, तो 392 आता है। तो जो 382 से ग्रेटर है, तो मतलब ये 2 पर नहीं जाएगा, 1 पर जाएगा, तो 196। यहाँ कैरी करेंगे 12 में से 6, यहाँ पर 6, यहाँ बनेगा 7, 17 माइनस 9 8, यहाँ बचा 2, 2 माइनस 1 1। अब यहाँ अब देखिए यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगा इस तरह से। अब हम देखते हैं 196 को कितने पर हमारे पास जाएगा अभी। अब इसको मान लीजिए हम 9 पे करके देखते हैं जरा कितना आएगा। 96 जा 54, यहाँ पर 5 कैरी, 99 जा 81 प्लस 5 86, यहाँ 8 कैरी, 91 जा 1 प्लस 8 17, तो 1764 तो 9 पर जाएगा, 1764। तो इसको माइनस करने पर हमारे पास 98 बचेगा बच्चों, फिर ये 0 980 आ गया। तो आई थिंक अभी हमारे पास 5 पर जा सकता है, 196 इंटू 5 करेंगे तो 5 इंटू 6 30, 0 या 3 कैरी, 59 जा 45 प्लस 3 8 4, 51 जा 1 और 4 9। तो देखिए हम यहाँ से ये पूरा ही डिवाइड हो गया हमारे पास, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ, हम इसको बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किस तरह से लिखेंगे, 38220 इज इक्वल टू, हमने 196 से डिवाइड किया तो 196 यहाँ पर हमारे पास डिवाइजर, क्वेश्चन हमारे पास कितना आया 195 और रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो अब हम देखते हैं रिमाइंडर 0 आ गया, तो इस केस में हमारे पास डिवाइजर क्या था, 196। तो इसका मतलब 196 हमारे पास क्या होगा, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ होगा। तो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 38220 एंड 196 इज कितना है एचसीएफ, 196। इनका एचसीएफ 196 ही है। थैंक यू।